बिल्कुल प्यारे बच्चों, आप खुश आमदीद आपकी साइंस की क्लास में। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आईज। व्हाट इज आई? सो एज यू ऑल नो, आईज आर द मेन पार्ट ऑफ योर बॉडी। सो लेट्स स्टडी देम। आईज आर द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी दैट इनेबल यू टू सी द वर्ल्ड अराउंड यू। ठीक है, इस लाइन का मतलब है कि आईज आपकी बॉडी का पार्ट हैं जो आपको हेल्प करते हैं, जो आपको हेल्प करता है देखने में, जो आपको हेल्प करता है देखने में वर्ल्ड अराउंड यू। ठीक है, अपने इर्द गिर्द की चीज़ें देखने में आपको हेल्प करती है। ठीक है, लाइट रेज फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड बाउंस बैक। जो लाइट रेज होती हैं वो एक ऑब्जेक्ट पर फॉल, यानी एक ऑब्जेक्ट पर गिरती हैं और फिर बाउंस होके दोबारा पीछे आ जाती हैं। ठीक है, दीज रेज देन एंटर योर आई एंड फॉल ऑन टू द रेटिना टू फॉर्म एन इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो जब वो रेज बैक होके दोबारा बाउंस होके बैक आ हो जाती है, फिर वो जो रेज होती हैं वो आपकी जो आई होती है और आई का जो ये रेटिना होता है, ये देखिए ये आई का जो रेटिना है इसके अंदर जाती हैं और एक पिक्चर की एक इमेज बना देती है। ठीक है, लाइक मैं आपको ह्यूमन आई की एक डायग्राम दिखाती हूँ। ये हमारा रियल है, ये लाइट रेजेस जा रहे हैं रेटिना में और रेटिना जो है वो आपके आई को इमेज में फॉर्म कर देता है, यानी आपके जो आज जब में जो चीज़ दिख रही है उसको रेटिना जो है वो उसको फॉर्म करता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास थ्री पार्ट्स होते हैं आईज के, लेंस, ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना। ठीक है, रेटिना ये भी है। ठीक है, सो अब इनके पार्ट्स पढ़ते हैं। इमेजेस आर इन्वर्टेड ऑन देयर वे टू द रेटिना एट द बैक ऑफ द आई। अच्छा, जो इमेजेस होती हैं वो जैसे ये उल्टी इमेज बनी है ना, बैक पे बनी है। ठीक है, बैक बनी है रेटिना पे, यानी ये देखें ऑपोजिट, ये देखें ये यहाँ पे ऐसे सीधी है और ये यहाँ से उल्टी है, इसलिए। अब है, इट इज़ योर ब्रेन दैट टर्न्स द इमेज द राइट वे अराउंड। हमारा ब्रेन हेल्प करता है हमें, क्योंकि रेटिना तो उल्टी इमेज दिखा रहा है ना, सीधी इमेज को इन रेटिना में इमेज तो कैप्चर हो जाती है लेकिन वो थोड़ी सी उल्टी है। तो जो ब्रेन है वो हमें हेल्प करता है इमेज को सीधा दिखाने में। ठीक है, इमेज आइदर प्रोटेक्टेड बाय आईलिड्स एंड आईलैशेस। ये देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं आईलिड, और ये आईलिड होती है पूरी। ठीक है, और ये होती है आईलैशेस। ठीक है, जिसे हम पलके कहते हैं। आईलैशेस और आईलिड हमारी आई को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, सो अब मैंने इनके कुछ मेन पार्ट्स लिखे हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। ये देखिए, आईज आर द मेन पार्ट ऑफ योर बॉडी। एज यू ऑल नो, आईज हमारा मेन पार्ट है हमारी बॉडी का। अगर ये नहीं होगा तो हम कैसे देख नहीं सकेंगे। ठीक है, सो इट इनेबल्स यू टू सी सी थिंग्स अराउंड यू। ठीक है, मैंने आपको बताया था। योर आईज आर द सेम साइज नाउ एज दे वर व्हेन यू बोर्न एंड दे विल ऑलवेज रिमेन द सेम साइज। दे डू नॉट ग्रो एट ऑल। अच्छा, इस पॉइंट का क्या मतलब है? इस पॉइंट का मतलब है कि जो आपकी ये जो आई है, जब आप पैदा हुए थे उसके जो अंदर वाला बॉल है ना, वाइट एंड ब्लैक, सो हमारा जो बॉल होता है ये उतना ही रहता है, लेकिन जो हमारा ये पूरा बाहर का शेप होती है ये ग्रो करती है, लेकिन जो अंदर की शेप है वो जब हम पैदा हुए थे तब हमारी थी वो उतनी ही रहती है। जो हमारा बाहर का आउटलाइन सा होता है ये सिर्फ ग्रो करता है, अंदर की जो मेरी आई बॉल होती है वो ग्रो नहीं करती। ठीक है, सो उम्मीद है कि बच्चों आपको हमारा आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए और मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। तो बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।